नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 नवंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आज 29 नवंबर को अशोक गहलोत जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। इसके तहत 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस दी जाएगी। इस दौरान प्रदेश के 33 जिलों में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले बाल गोपाल और फ्री स्कूल ड्रेस योजना की 15 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम में शुरुआत होने वाली थी। कार्यक्रम से एक दिन पहले 14 नवंबर को ही मुख्यमंत्री के व्यस्त होने के चलते कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। अब आज 29 नवंबर को वर्चुअल उद्घाटन होगा। इसमें शिक्षा मंत्री BD कल्ला भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 64,479 स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 67 लाख से ज्यादा बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट के खाते में 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तेलंगाना के वारंगल में चॉकलेट खाने से राजस्थान मूल की 8 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये ऐसी मौत थी जिसने सबको चौंका दिया। जब ये घटना हुई तब 8 साल का संदीप स्कूल में था। उसने जैसे ही चॉकलेट अपने मुंह में रखी तड़पने लगा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। करीब 10 दिन पहले ही ये चॉकलेट उसके पिता ऑस्ट्रेलिया से लाए थे। परिवार के बाकी बच्चों ने भी चॉकलेट खाई थी पर संदीप ने इसे खाने के कुछ ही समय बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। संदीप का परिवार करीब 25 सालों से वारंगल में रह रहा है। परिजन मूल रूप से राजस्थान के जालौर जिले के रायथल के रहने वाले हैं। मृतक के चाचा विक्रम सिंह ने बताया कि 8 वर्षीय संदीप सहित सभी बच्चों को शारदा स्कूल वारंगल छोड़ने गया था। घर वापस लौटा ही था कि प्रिंसिपल का फोन आ गया। वह हड़बड़ाते हुए बोली कि संदीप के गले में चॉकलेट फंस गई है, अब तुरंत MGM हॉस्पिटल पहुंचिए। सभी परिजन हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने संदीप को चेक करते हुए डेड घोषित कर दिया। जयपुर में फेसबुक फ्रेंड की एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। होटल में मिलने बुलाकर उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। शास्त्री नगर पुलिस ने बताया कि कोतवाली निवासी 30 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात विवेक विहार श्यामनगर निवासी सुनील जैन से हुई थी। दोनों की दोस्ती हो गई। 2013 में सुभाष नगर स्थित होटल में खुद की मीटिंग होने का बताकर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। नशा मिला होने के कारण कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोशी छाने लगी। उसके बाद आरोपी सुनील ने उसके साथ रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कभी होटल कभी घर पर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नागौर में एक युवक ने सोशल मीडिया पर महिला का फर्जी अकाउंट बना गलत मैसेज भेजे, जिस पर कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शंकरलाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 15 दिनों से उनकी पत्नी शारदा के मोबाइल पर किसी बदमाश ने फर्जी फेसबुक पर ID बना रखी है जिसमें गलत मैसेज और कॉल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शंकरलाल के मोबाइल पर भी कई नंबरों से गलत फोन आने लगे हैं। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक हाथी चौक रहने वाले नीलेश बंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक का मोबाइल भी जब्त कर लिया। पुलिस को संदेह है कि आरोपी युवक नीलेश बंग ने मोबाइल पर और भी महिलाओं की फर्जी ID बना उसका गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। अजमेर जिले के लोहागल रोड ग्लोबल कॉलेज के निकट एक कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। दुर्घटना में कार सवार सेवानिवृत्त XCN माता दीन की पत्नी बिदाम देवी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य जख्मी हो गए। जांच में सामने आया कि टायर फटने से हादसा पेश आया। किशनगंज थाना पुलिस के अनुसार किशनगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त XCN मातादीन पंवार परिवार के साथ छोटे भाई पंचशील नगर निवासी रामलाल के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने आ रहे थे। लोहागल ग्लोबल कॉलेज के पास कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। कार में मातादीन पत्नी बिदाम देवी, बेटा कमल, छोटी पुत्र वधु, बेटी वे 1.5 साल की पोती थी। जांच में सामने आया कि सेवानिवृत्त XCN मातादीन ने 6 दिन पहले ही नई कार खरीदी थी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। सिरोही जिले के माउंट आबू SDM और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
राहुल जैन ने आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र के 11 बीएलओ को कार्य में लापरवाही को देखते हुए 11 बीएलओ को नोटिस दिया है। एसडीएम ने सभी से 3 दिन में जवाब मांगा है। एसडीएम राहुल जैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के मंत्रांक के संदर्भ में राज्य में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 चल रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे करके अपने क्षेत्र में पंजीयन से शेष रहे मतदाता का पंजीयन, 17 साल से अधिक आयु के स्टूडेंट्स का पंजीयन, 19 और 20 साल की आयु के नव मतदाताओं का पंजीयन का लक्ष्य कार्य दिया गया था, लेकिन आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र के 11 बीएलओ की ओर से अभी तक पंजीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जो कि उनके कार्य के प्रति लापरवाही और दीनता को बताता है। साथ ही यह राज्य निर्वाचन के आदेशों की अवहेलना भी है, इसलिए 11 बीएलओ को नोटिस देकर उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में निजी स्कूल टीचर की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। जहरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता नहीं चल सका। दोनों पति पत्नी निजी स्कूल में टीचर हैं। अस्पताल में महिला टीचर की मौत हो गई। अलवर शहर निवासी 26 वर्षीय विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। परिवार के लोगों ने बताया कि सब घर पर थे। पति ने बताया कि पत्नी को दोपहर में उल्टियां हुई, इसके बाद निजी अस्पताल में दवा लेकर आए। घर आने पर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, उसके बाद वापस सानिया अस्पताल लेकर गए। वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार में सब अच्छे से मिलकर रह रहे थे, कोई बच्चा नहीं था जिसकी दवा भी चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के अजीतगढ़ इलाके में एक महिला के साथ मारपीट कर लूट का मामला सामने आया है। महिला अपने ही परिवार में शादी के कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। इस दौरान बदमाश ने उन्हें धक्का देकर करीब 12 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। महिला के बेटे को मौके से मोबाइल और कुछ एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान मिले हैं। जितेंद्र कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उनके ताऊ जगदीश के लड़के धर्मेंद्र की शादी का प्रोग्राम था। ऐसे में घर पर डीजे का प्रोग्राम चल रहा था। देर रात जितेंद्र की मां बिमला घर की तरफ जा रही थी। दोनों घर के बीच की दूरी करीब 250 मीटर है। ताऊ के घर से करीब 50 से 60 मीटर दूर चलने के बाद पीछे से एक युवक ने बिमला को जोर से धक्का दिया, जिससे बिमला नीचे गिर गई। बदमाश ने बिमला के साथ मारपीट कर करीब 12 लाख रुपए के जेवरात निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर जिले में सोशल मीडिया चाइल्ड पॉर्न वीडियो डालने के आरोपी को नोखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अशोक शर्मा ने फेसबुक व मैसेंजर के माध्यम से चाइल्ड पॉर्न वीडियो अन्य लोगों को भेजा था। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि देशनोक पुलिस को पुलिस अधीक्षक बीकानेर कार्यालय से किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर बच्चों के अश्लील वीडियो शेयर किए हैं। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट तथा आईटी एक्ट के तहत मामला देशनोक थाने में दर्ज कर जांच नोखा थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ को दी गई। थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने देशनोक थाना क्षेत्र के आंबासर गांव निवासी अशोक शर्मा द्वारा अपने मोबाइल फोन से फेसबुक व मैसेंजर से वीडियो भेजने और अश्लील चैट करना पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर जिले के बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे 25 पर दो ट्रकों की आमने सामने भिड़त हो गई। भिड़त के साथ दोनों ट्रकों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में दो जनों के जिंदा जलने की बात सामने आ रही है। घटना कल्याणपुर थाना इलाके के अराबा डोली गांव की है। सूचना पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों तरफ से वाहनों को रुकवा कर आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे 25 बालोतरा से जोधपुर की तरफ जा रहे ट्रक डोली अराबा पेट्रोल पंप के पास टायर फट जाने से सामने से आ रही ट्रक से भिड़त हो गई। भिड़त के साथ अचानक दोनों ट्रकों में आग लग गई। कुछ मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।